ये देखें जी कितनी आराम से मूव आउट हो रही है, ये देखें ऊपर से क्रिस्पी अंदर से फजी, ये देखें और बहुत गर्म है अभी, और देखिए मैं गर्म गर्म मूव आउट कर रही हूँ, देखें कोई मसला भी नहीं है, ज़बरदस्त बटर फजी ब्राउन। अस्सलामुअलैकुम, क्या हालचाल है सबके, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शफनाज़िया और आप देख रहे हैं शेफ लाइफ विद शेफ नाज़िया। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इस वीक काफ़ी कम काम किया है, वो इसलिए कि मैं बहुत बिज़ी रही हूँ। मेरे 3 दिन जो था वैक्सीनेट एग्जीबिशन में गौतम की तरफ से इंटरनेशनल कलनरी आर्ट का जो कंपटीशन था वो चल रहा था, और एज अ जज वहाँ मुझे उसको ज्वाइन भी करना था, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया भी है। 2 दिन की मैंने दिखाई है, 3rd डे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं जा नहीं सकती। 2 दिन जो था वहाँ मैंने अटेंड किया था, हालांकि 3 डे मेरी वहाँ ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन 3rd डे मेरी खासी तबीयत बिगड़ चुकी थी, तो उसलिए फिर मैं 3rd डे कवर नहीं कर पाई। तो आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो तो देख ली होगी और आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बटर ब्राउन, वो भी ब्राउन शुगर के साथ। तो आइसिंग शुगर यूज़ कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो कैस्टर शुगर यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई खास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर बटर यूज़ नहीं करना तो इसमें ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जितनी रेशो मैं इसमें बताऊँगी आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसके अकॉर्डिंगली आप लोग उसकी जो है मेजरमेंट यानी उनको प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं। अगर मैं आइसिंग शुगर डाल रही हूँ तो आप ब्राउन शुगर उतनी डाल लें, अगर मैं ब्राउन शुगर डाल रही हूँ तो आप उतनी कैस्टर शुगर डाल लें, यानी जो चीज़ आपको आसान लगती है आप उससे ब्राउनी बना सकते हैं। आप लोग चाहें तो मिल्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो मैंने ली है यहाँ पर 350 ग्राम डार्क ब्राउन चॉकलेट, इसमें जाएगा येलो बटर, मैं येलो बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ आज, ठीक है। और ये है जी 130 ग्राम येलो बटर, 130 ग्राम डार्क चॉकलेट, 350 ग्राम। आप लोग इसकी जगह ऑयल यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम इसको मेल्ट कर लेंगे, मेल्ट कैसे करना है, माइक्रोवेव कर लें या डबल बॉयलर कर लें। तो मैं माइक्रोवेव करूँगी, हर 30 सेकेंड के बाद आपने इसको निकालना है और इसको मिक्स करना है। देखिए 30 सेकेंड लगाया मैंने इसको, हर 30 सेकेंड के बाद निकालें और इसको मिक्स करें, ठीक है। ये नहीं करना कि ओ हो अभी तो ये हुआ नहीं और इसको मिक्स नहीं करना और अगेन आप इसको लगा देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना, निकालना है, मिक्स करना है और देन फिर आपने इसको माइक्रोवेव करना है, नहीं तो आपकी चॉकलेट जो है वो हार्ड हो जाएगी और मॉइस्चर डेड हो जाएगा इसका बिल्कुल। अगेन करेंगे 30 सेकेंड। ओके जी, अगेन देखिए कितना ज़बरदस्त बटर मेल्ट हो चुका है और उसी के अंदर मेरी चॉकलेट भी मेल्ट हो जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह। सॉल्टेड नहीं है, लिटिल बिट ये मैं डाल रही हूँ सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, आप लोग देखते होंगे कि मैं अपनी प्रोडक्ट में वनीला या चॉकलेट एसेंस या ऐसा कोई एसेंस यूज़ नहीं करती, मैं इन चीज़ों के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। मैं हमेशा ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ काम करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ बने वो ओरिजिनल कंडीशन में आपके सामने आए, तो मैं ये चीज़ें यूज़ नहीं करती। अंडों की स्मेल ऑटोमेटिकली 3 से 4 घंटों तक ख़त्म हो जाती है, ये चीज़ याद रखिएगा। मैं कुछ नहीं डालती इन चीज़ों में, नो वनीला पाउडर, नो एसेंस, नो एक्सट्रैक्ट। लीजिए जी, अब ये जो ऐसे ही मिक्स करते 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 इसने मिक्स हो जाना, लीजिए हो गया, ऑलमोस्ट इसने 1.5 मिनट लिया, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग 1.5 मिनट पर लगा मत दीजिएगा, आप लोग अपने माइक्रोवेव के मुताबिक चलिएगा। मैं 30 सेकेंड लगा रही हूँ, मे बी आपका ज़्यादा स्ट्रांग हो, फास्ट हो, वो 10 सेकेंड ले। अच्छा जी, इसमें मैं डाल रही हूँ ब्राउन शुगर, आपको ये वाइट शुगर लग रही होगी लेकिन ये ब्राउन शुगर है, और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, ठीक है। इसके पार्टिकल्स को मैंने ख़त्म किया है जो, और मैं कंपनी दिखा देती हूँ, ये वाला ब्रांड मैंने यूज़ करती हूँ, ठीक है, लाइट ब्राउन शुगर, और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये 125 ग्राम है, ठीक है, कितनी 125 ग्राम और ये हम डालेंगे इसमें, लेंगे बिस्कर, बहुत मज़ेदार ब्राउनी बनने वाली है ब्राउन शुगर और बटर के साथ, ये देखिए, ठीक है जी, ज़बरदस्त। इसका टेक्सचर कुछ यूं हो गया, ठीक है। अब हम इसमें एग डालेंगे 1 by 1, 3 अंडे जाने वाले हैं, 1 एंड मिक्स,
ठीक है, एक डाला और मिक्स किया। सेकेंड एंड मिक्स। देखिए कितना फर्क पड़ गया है। एग टोटल 3 अंडे जाएंगे और इसको हम मिक्स करते चले जाएंगे। रूम टेम्परेचर हर चीज़ होनी चाहिए। मैं चॉकलेट भी फ्रिज में नहीं रखती, इवन के वो भी मेरी रूम टेम्परेचर ही होती है। ज़बरदस्त। फ्लार है 160 ग्राम। दोबारा से सुन लें, 350 ग्राम चॉकलेट थी, 130 ग्राम बटर था, 125 ग्राम शुगर थी, पिंच ऑफ सॉल्ट और 160 ग्राम मैदा यानी फ्लावर। चलो इसमें ये देखिए रेडी है। 9x9 इंच का मोल्ड है। बटर लगाकर मैंने फ्लावर के साथ डस्ट कर लिया। मैं लाइनर पेपर नहीं लगा रही, थोड़ा सा मैं न्यू कर रही हूँ। पानी से इसको मैं डीमोल्ड करना बताऊंगी आपको। तो चलें जी बटर डालते हैं अपना बीच में। अवन मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। 170-180 के राउंड अबाउट हम इसको बेक करेंगे। डेक अवन का भी वही टेम्परेचर रखना है और जो आपका अपने घर का टेम्परेचर है अवन होगा उसका भी आपने यही रखना है। ऊपर वाला नहीं चलाना, सिर्फ नीचे वाला चलाना है। चलें हो गया और ये जा रहा है बेक होने के लिए। आज निकल आया है, ये मैंने ऑर्डर भेजना था, ये मैंने ऑलरेडी रखा हुआ था बेक होने के लिए। और ये मेरी ऑयल बेस्ड रेसिपी है, ठीक है, जो मैंने ऑयल वाली आपको कराई हुई है ना, ये वो है। देखिए मैंने लाइनर पेपर नहीं लगाया था और ये मैंने 1 बाइट साइज़ उनको भेजना है, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये चिल्ड हो जाएगा फिर मैं बताती हूँ कटिंग कैसे करनी है। 1 बाइट साइज़ है ये वाला। अपनी ब्राउनी को आपको निकालना सिखा दूँ। अच्छा ये देखिए ऐसे मैंने इसके अंदर कट्स लगा लेने हैं, ठीक है। ये देखिए कितनी फजी है, ठीक है जी। अच्छा ये जो है ना, ये मेरा सबसे छोटा वाला पैन है, ये देखें। इसमें से हमने 9 पीस आउट करने हैं, देख रहे हैं। ऐसा स्पैचुला ले लेना, ये देखें साइडों से आपने इसको इसको ऐसे साइड पे कर लेना और बहुत आसानी से हो रहा है। ये देखिए कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं क्या कर रही हूँ, आराम से, कुछ भी नहीं होना। ये देखें एक पीस, ये देखें मैंने पकड़ा और निकाल दिया। ये मेरा भी ऑर्डर जाना है, मैंने सोचा कि ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ये देखिए बहुत ईजीली, ये इस तरह से मैंने एक बॉक्स बना दिया है और ये रेडी है जाने के लिए। तो ये देखिए इसके अंदर 12 आ गए हैं और मुझे टोटल उनको 14 भेजने हैं। तो इस तरह से फिर मैं 2 ऊपर रख दूँगी। तो चलें जी ये बॉक्स तो जा रहा है। अब जो मैंने बटर ब्राउनी बनाई वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। आफ्टर 25 मिनट ये रेडी है और जब ये लेयर आ जाती है इसका मतलब है कि रेडी है। ये देखें बिल्कुल परफेक्टली बेक है, बेक होके बाहर आ गया है। टोटल 25 मिनट इसने लिए, देख लें। अब लगाएंगे निशान, देखें कितना ज़बरदस्त जो है, ठीक है। ये भी मैं 1 बाइट साइज़ ही निकाल रही हूँ, बच्चों के लिए आसान रहता है इसको यूज़ करना, क्योंकि फिर बड़ा पीस होता है बच्चे भी फिर इस तरीके से नहीं कर रहे होते। ये देखिए ज़बरदस्त माशाल्लाह, बटर विद ब्राउन शुगर ब्राउन। इंशाल्लाह लाइट ब्राउन शुगर से भी आपको मैं बनाना सिखा दिया मैंने। अब मिल्क चॉकलेट ब्राउनी भी आपको करवाऊंगी। ब्राउनी बहुत टाइप की है। ये देखें जी कितनी आराम से मूव आउट हो रही है। ये देखें ऊपर से क्रिस्पी अंदर से फजी, ये देखें। और बहुत गर्म है अभी, और देखें मैं गर्म गर्म मूव आउट कर रही हूँ। देखें कोई मसला भी नहीं है, वेरी सिंपल रेसिपी। सेंटर वाला निकालते हैं, आराम से इसने आ जाना है। आई हर अमेजिंग रेसिपी।
आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी और मुझे बताना है आपको ये कैसी लगी। तो जी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में और एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।